अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड फीस्ट बाय फायदा। आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, डबल डेकर जिंगर बर्गर की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बच्चे से लेके बड़ों तक सबको बहुत ही पसंद आते हैं ये बर्गर। चलें देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने बोनलेस चिकन ले ली थी, थाई पीसेस 1 kg, क्योंकि हम मिनी बर्गर्स बनाएंगे इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे कट कर लिया, और मैं हैमर के थ्रू इसको और फ्लैट कर लूँगी। तो ये देखें, मैंने 1 by 1 सारे फ्लैट कर लिए थे हैमर से। चलें देख लेते हैं हमें मसालों में क्या क्या चाहिए। 1 tablespoon रेड चिली पाउडर ले लिया था मैंने, आप चाहें तो गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, मेरे पास पाउडर था तो मैंने 1 teaspoon गार्लिक पाउडर डाल दिया। उसके बाद मैंने 1 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया था। 1 से 1.5 स्पून मैंने यहाँ पर सॉल्ट डाल दिया था, आप चाहें तो कम बढ़ती अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 teaspoon पेपरिका पाउडर ले लिया था, जिसे कश्मीरी लाल मिर्च भी बोलते हैं, और 1 tablespoon लेमन जूस ले लिया था। 1 tablespoon मस्टर्ड पेस्ट ले लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप ग्लव्स वगैरह से भी मिक्स कर सकते हैं या स्पून की मदद से भी कर सकते हैं, या आप नॉर्मल बर्गर में भी बना सकते हैं नॉर्मल बंस में। यहाँ मैंने मिनी बर्गर ले लिए थे, तो अगर आप नॉर्मल बंस लें तो चिकन के पीसेस थोड़े से बड़े ले लें और इसी तरह सब पे मसाला लगा लें। बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार हुए थे, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपके जिंगर बर्गर कैसे बने। तो यहाँ मैंने 1 teaspoon रेड चिली सॉस ले ली थी, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी अगर आप डालना चाहें तो। फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मैरिनेट होने देंगे 30 मिनट्स। तो ये देखिए, मैंने 30 मिनट्स के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था, आप रूम टेम्परेचर पे भी इसको रख सकते हैं। इतने हम अपना फ्लावर मिक्सचर प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ मैंने 1/2 cup कॉर्न फ्लावर ले लिया था, उसके बाद मैंने 1 cup मैदा ले लिया था, आप अपने चिकन के हिसाब से लीजिएगा, अगर आपकी चिकन ज़्यादा है तो आप 1 cup कॉर्नफ्लावर ले लें और 2 cup मैदा ले लें। तो जिसकी जितनी चिकन वगैरह हो वो उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। यहाँ मैंने 1 kg बोनलेस के लिए आपको बताया था। फिर मैंने 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर नमक डाल दिया था, उसके बाद मैंने 1 tablespoon पेपरिका पाउडर डाल दिया था, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर डालेंगे, उसके बाद मैंने इसमें 1 tablespoon लेमन जूस डाल दिया था, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इस बैटर में पानी नहीं डालना, हमें इस बैटर में सिर्फ मिल्क डालना है। तो यहाँ मैंने 1 cup मिल्क ले लिया था, अगर आपका बैटर फिर भी थिक हो तो आप 1 से 1.5 cup मिल्क ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें 1 tablespoon रेड चिली पाउडर डालूँगी, आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसको बैटर बनाने के बाद इसमें डाला था। तो देखें, ये ज़बरदस्त बैटर तैयार है। इसमें आप नमक चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा नमक और डाल दें। ऑलमोस्ट सब काम हो गया, अब चलें हम अपनी चिकन फ्राई की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने मैदा ले लिया था प्लेन, जिसमें हम अपनी चिकन को डिप करेंगे। मैरिनेटेड चिकन ले लेंगे, लेटस ले लेंगे, इसकी जगह आप आइसबर्ग भी ले सकते हैं। जिंगर बर्गर सॉस ले लेंगे, जिंगर बर्गर सॉस जो है वो मायो सॉस भी कहते हैं उसे। मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी, आपको मेरे पेज पे मिल जाएगी। और जब भी आप ये जिंगर बर्गर बनाएं तो इसके साथ वही सॉस बनाएं, बहुत ही अमेजिंग बन के ये तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं बर्गर, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे बन के ये तैयार होते हैं। आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपके बर्गर कैसे बने। तो यहाँ मैंने 1 चिकन का पीस ले लिया था, उसे मिक्सचर में अच्छे से कोट कर लिया, डिप कर लिया, उसके बाद मैं इसे प्लेन मैदा लूँगी उसमें डिप करूँगी। मैदे में अच्छे से कोट कर लेंगे इसे, फिर चिल्ड वाटर लेके मैं उसमें इसको 2-3 सेकेंड्स डिप करूँगी। ये देखें, चिल्ड वाटर मैंने इसको डिप करा है और सिर्फ 2 सेकेंड्स के लिए डिप किया था, फिर मैं इसको दोबारा से मैदे में कोट कर लूँगी।
फिर चिकन को हमें डीप फ्राई करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे 12 टू 15 मिनट्स, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब तक हम अपना ये प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे। अगेन मैंने एक और चिकन लेके उसे मिक्सचर में कोट कर लिया। उसके बाद मैंने इसको मैदे में डाला है। आप मैदा अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा। मैदे में डालने के बाद अगेन चिल्ड वाटर, ड्रिप ओनली 2 सेकेंड्स। उसके बाद अगेन मैं इसको मैदे में डाल दूँगी। इसी तरह हम अपनी सारी चिकन डिप करके कोटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो एक साथ कोटिंग करके रख सकते हैं, फिर एक साथ फ्राई कर लें। मैं मेरी हर रेसिपी में स्टेप बाय स्टेप इसीलिए दिखाती हूँ ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो, और काफ़ी बिगनर्स होते हैं जो आसानी से आराम से इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। और ये बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से मैंने इसको बना के तैयार किया है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए, एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए, मैं इसे टर्न कर दूँगी। देखिए, ये मैंने टर्न कर लिया, अब ये दूसरी तरफ से फ्राई होंगे, गोल्डन ब्राउन होंगे, तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। जब तक हम अपने बन वगैरह फ्राई कर लेते हैं। जब तक बन फ्राई करती हूँ, उससे पहले मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए। तो बस 2-3 मिनट्स और इसको हम फ्राई करेंगे, उसके बाद हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें, मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे अपने ऑयल लगा के बन फ्राई करने शुरू कर दिए। इसी तरह हम सारे कट करके बन अपने पैन में फ्राई कर लेंगे। तो देखें, ये बन भी फ्राई हो गए हैं। अब जल्दी से हम इसको डिश आउट कर लेंगे। चिकन भी ऑलमोस्ट डन हो गई है, उसे भी निकाल लेंगे। उसके बाद हम अपने डबल डेकर जिंगर बर्गर बनाते हैं। देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग बनके वो तैयार होंगे। और चिकन मैंने फ्राई करने डाल दिया, और गैस को मैंने कर दिया था लो टू मीडियम पे। ये देखिए, हमारी ज़बरदस्ती चिकन रेडी है। ये देखें, ये ज़बरदस्ती मायो सॉस फॉर जिंगर बर्गर हमारी तैयार है। इसकी रेसिपी आपको मेरे पेज पे मिल जाएगी, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। मैंने ये बना के रख ली थी। चलें, हम बर्गर बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने बन ले लिया था, उसके ऊपर जिंगर बर्गर मायो सॉस डाल ली थी। उसके बाद मैंने इस पर लेटस रख दिया था, या फिर आप आइसबर्ग भी ले सकते हैं। उसके ऊपर मैंने लेटस रख दिया था, उसके ऊपर अगेन मैंने जिंगर सॉस डाली थी। उसके बाद मैंने इस पर चेडर चीज़ स्लाइस रख दिया था। आप चाहें तो श्रेड करके भी डाल सकते हैं, अदरवाइज चीज़ स्लाइस बेस्ट है, आप वो ही रख दें। उसके ऊपर मैंने प्रिपेयर्ड चिकन रख दी थी, अगेन मैंने मायो सॉस डाली थी। उसके ऊपर अगेन मैंने लेटस रख दिया था। उसके बाद मैंने इस पे अगेन चिकन रख दी थी, और उसके ऊपर मैंने केचप डाल दी थी। केचप डालने के बाद अगेन चीज़ स्लाइस रख के मैंने उसके ऊपर मायो सॉस डाल दी थी, और बन रख दिया। तो देखें, ज़बरदस्त बर्गर तैयार है। डबल डेकर जिंगर बर्गर रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, और आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप किसी दावत वगैरह में भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये लोगों को, और हर कोई इसे खुश होकर खाता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।